आप सभी को थोड़ी बहुत एक्सेल की जानकारी तो है ही, और आप जानते हैं कि एक्सेल पर काम करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स की जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स, उनके साइन और उनका यूज़ सीखने के बाद ही आप फ्यूचर में लॉजिकल फंक्शंस का इस्तेमाल कर पाते हैं, जैसे कि सम इफ, काउंट इफ, और आप इफ एंड और, नॉट, इंडेक्स, वी लुकअप, एच लुकअप, इन सभी चीज़ों के साथ में आसानी से काम कर पाएंगे। आज इस सेशन में मैं बात करने वाला हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स और उनके सीक्रेट यूजेस के बारे में, जिनकी मदद से एडवांस एक्सेल लर्निंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी आप सभी के लिए। शुरू करते हैं इस टॉपिक को। मैंने यहाँ एक वैल्यू पुट की, 5 और 7। मेरा सबसे पहला लॉजिकल ऑपरेटर, क्योंकि फंक्शन की शुरुआत में मैंने इक्वल्स टू का साइन लगाया, सेल एड्रेस या नंबर के साथ में मैंने इस्तेमाल किया दूसरा सिंबल इक्वल्स टू, यानी कि जो सेकंड इक्वल्स टू का इस्तेमाल है, एक्चुअल में ये वैल्यू के लिए फर्स्ट माना गया है, और इस पर लॉजिकल ऑपरेटर के कारण ये आपको सिर्फ आंसर ट्रू और फॉल्स देगा। क्या 5 7 के बराबर होता है? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। तो यहाँ पर इक्वल्स टू एक लॉजिकल ऑपरेटर है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं दो अलग अलग वैल्यू को चेक करने के लिए। अब वो चाहे नंबर हो चाहे वो टेक्स्ट हो, दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राज, राज ट्रू। हाँ, कभी आपको अगर लेटर वाइज मैच करना हो तो लेटर वाइज मैच करने के लिए आपको एग्जैक्ट कमांड का इस्तेमाल करना चाहिए, कि सेल नंबर A1, सेल एड्रेस A1, सेल B1, क्या दोनों एक जैसे हैं, एग्जैक्ट हैं या अलग अलग हैं? यहाँ पर जवाब फॉल्स आएगा, क्योंकि पहले A1 के टेक्स्ट में R कैपिटल है और B1 में स्मॉल है, इसलिए फॉल्स हो गया। आपको एग्जैक्ट बिल्कुल वैसा ही टाइप करना होता है। तो कभी आपको अपना डेटाबेस मैच करना हो, उसके अकॉर्डिंग आप इस तकनीक का इस्तेमाल, फंक्शन का इस्तेमाल, एग्जैक्ट का कर सकते हैं। चलिए, तो मेरा पर्पज़ एग्जैक्ट पढ़ाना नहीं है, मेरा पर्पज़ है दूसरी चीज़ पढ़ाना। हाँ, कई बार हमारे कुछ साथी जब कोई गूगल फॉर्म फिल करते हैं, तो गूगल फॉर्म में आपने देखा होगा कि वहाँ पर वो कई बार कुछ ऐसी चीज़ें टाइप करते हैं जो मैच नहीं कर पाती हैं। उसका रीज़न यहाँ पर देखिए, आप चेक करके आपको पता चलेगा कि यहाँ जो वैल्यू दी गई है एक्चुअल में देखने पर तो वो सेम है, तो वो एग्जैक्ट मैच क्यों नहीं कर रहा है? इसका दूसरा तरीका होगा, आप लेन फंक्शन का इस्तेमाल कीजिए, LEN। आप लेंथ चेक कीजिए इस टेक्स्ट की। तो कई बार हमारे साथी वहाँ एक्स्ट्रा स्पेस, हिडन कैरेक्टर पुट कर देते हैं 4, जबकि यहाँ पर लेटर हैं 3। तो इसका मतलब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस है, जिसकी वजह से आपका जवाब गलत आ गया। तो बड़ी कंपनीज में जब डेटाबेस पर काम किया जाता है, इन सभी फैक्ट्स को ध्यान में रख करके ही वर्क किया जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि कभी आपने हाथी को किसी को काटते हुए नहीं देखा है, मच्छर अक्सर काट लेते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको एक्सेल में एक्सपर्ट बनाती हैं। चलिए, तो मैं लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ बात कर रहा था। टेक्स्ट लीजिए चाहे नंबर लीजिए, हमारा पहला लॉजिकल ऑपरेटर साइन जो है वो इक्वल्स टू है। हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दो अलग अलग वैल्यू को चेक करने के लिए। ऐसे ही कई लॉजिकल ऑपरेटर आपको इस्तेमाल करने हैं, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है अपने लॉजिकल ऑपरेटर के तौर पर, जब आप एक फॉर्मूला बनाते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझेंगे। मुझे सिर्फ उसी वैल्यू को टोटल करना है जो वैल्यू
50 से ऊपर है। मैंने यहाँ सम का फॉर्मूला अगर लगाया तो वो सभी को टोटल कर देगा 226, जबकि मुझे टोटल सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स का करना है, कंटेंट का, जो 50 अबव हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिया सम इफ। अब आप देखिए सम इफ क्या कहता है फॉर्मूला में। सम इफ कह रहा है कि आपको सम का फॉर्मूला लेना है, रेंज लेना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर क्राइटेरिया लेना है। एक्चुअल में क्राइटेरिया से मतलब ही होता है कि आपको यहाँ कंडीशन डालनी है। नंबर में आप इनमें से लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर लेंगे या सिर्फ सेम वैल्यू ले लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ से शिफ्ट कर रहा हूँ दूसरी जगह पर, यहाँ नीचे रख देते हैं, ठीक है। हमारे कुछ साथियों को अभी प्रॉब्लम आएगा कि जब वो कोई फॉर्मूला लिखते हैं और जब उसको देखना चाहते हैं तो वो देख नहीं पाते हैं। तो साथियों मैंने यहाँ पर क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट ए का प्रयोग किया फॉर्मूला में, और मेरा फॉर्मूला इस तरीके से विजिबल हो जाता है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को पिछले सेशंस में ये टॉपिक क्लियर करा दिया है, लेकिन साथ ही साथ आपको भी बता रहा हूँ, जब भी आप कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं आपको उसे चेक करना है तो कंट्रोल शिफ्ट ए का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं, सेल एड्रेस एरर चेंज, तो आपने क्या किया, मैंने एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल किया, इक्वल्स टू के आगे मैं स्पेस ऐड कर देता हूं, तो एक्सेल समझ जाता है कि ये कोई फॉर्मूला नहीं है और आप इसको यूज कर सकते हैं किसी को समझाने के लिए। जी हाँ, कंट्रोल शिफ्ट ए की मदद से। टॉपिक पर आते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। यहाँ पर मैंने लॉजिकल ऑपरेटर इक्वल्स टू सम इफ का इस्तेमाल किया और मैंने यहाँ पर रेंज दे दिया है, कॉमा। अगर आप क्राइटेरिया का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये क्राइटेरिया है, तो इस क्राइटेरिया को आप यूज़ करेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। आपको इन्वर्टेड कॉमा ले लेना चाहिए इसके लिए। तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा लिया और वहाँ मैंने वैल्यू पुट कर दी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50। अब अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 करता हूँ तो 49 से ऊपर 50 और 51 सभी वैल्यू आ जाएंगे। अगर मैंने सिर्फ ग्रेटर देन दिया तो समझिएगा 50 से ऊपर मतलब 50 नहीं, 50 को वो कैलकुलेट नहीं करेगा 50 को, इसीलिए मैंने जानबूझ करके वहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 दिया। अब ये 50 से अबव वैल्यू को टोटल कर देगा 211। अगर 50 भी हुआ तो टोटल नहीं करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको 50 भी ऐड करना है तो आपको यूज़ करना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन 49 का इस्तेमाल आप करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके लिए बहुत बेहतरीन काम करेंगे, जिसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया। अभी मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूंगा जिसके माध्यम से आपको लॉजिकल ऑपरेटर और अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे आप दिन भर में रिचार्ज कर रहे हैं अलग अलग मोबाइल कंपनीज के लिए, एयरटेल, जियो, वोडा, आइडिया, राइट, और BSNL फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली या दिल्ली से बाहर के लिए, सॉरी, आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं और आप इनका रिचार्ज दिन भर करते हैं, आपने रिचार्ज अलग अलग प्लान्स में कर दिया है, अमाउंट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर जल्दी से और भी नाम टाइप कर देता हूँ, राइट, ये ठीक है, और यहाँ पर वोडाफोन, एंटर, जियो, राइट, और मैंने यहाँ पर कुछ अमाउंट ऐड कर दिया है। अभी अभी मैंने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया उसमें आपने देखा कि ऊपर की सारी वैल्यूज़ नीचे आ रही है ऑल्ट डाउन एरो की मदद से। ऑल्ट डाउन एरो आप करेंगे तो ऊपर जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है वो नीचे आ जाएगा। जी हाँ, याद रखिएगा, मैंने बोला ऊपर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो नीचे आ जाएगा, नंबर्स नहीं। तो मेरी हर बात को आपको ध्यान से, गहराई से समझना है ताकि आपका काम आसान हो जाए।
चलिए मुझे टोटल करना है उन सभी को जो 500 रुपए से ज़्यादा हैं, मैंने यहाँ या गिनना है, सिर्फ गिन लेते हैं आज कितने रिचार्ज हुए। मैं आपको फॉर्मूला नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करना सिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर इसको लिया वैल्यू को और मैंने इसको बताया कि काउंट करो इस सेल रेंज को, अगर ये वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो 500 के, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। 6 रिचार्ज ऐसे हैं जो 500 रुपये या 500 रुपये ज़्यादा है। मान लीजिए आप किसी इंस्टीट्यूशन के लिए पढ़ाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट में और उसकी फीस भी अलग अलग है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो दिन भर में फिजिक्स की कितनी फ़ीस आई, केमिस्ट्री की कितनी फ़ीस आई, अगर उनका अमाउंट है तो। नहीं तो फ्यूचर में आप काउंट इफ का इस्तेमाल सीखेंगे कि आप कैसे चेक करेंगे एक टेक्स्ट को, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा जियो, राइट, तो आपको जियो को काउंट करना होगा। इसीलिए मैंने कहा मैं अभी आपको फॉर्मूला नहीं पढ़ा रहा हूँ, वरना काउंट इफ के बहुत सारे यूज़ हैं। एंटर, जियो का रिचार्ज 3 बार हुआ है, देख लीजिए मैंने यहाँ पर सेल रेंज A1 से लिया और जियो टाइप कर दिया। इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैं अभी आपको फॉर्मूला नहीं, लॉजिकल ऑपरेटर्स की जानकारी दे रहा हूँ। अभी कुछ और नया कंटेंट करेंगे, उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी सामान्य डेटाबेस में या एक बड़ी कंपनी के डेटाबेस में रिकॉर्ड्स को सर्च करना और हाईलाइट करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है हमारे इस सेशन की ट्रिक के माध्यम से। अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसके वजह से आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आपने मेरी कई सारे सेशंस की क्लासेस अटेंड की है और आपने पाया होगा कि मैं कुछ कॉमन कमांड्स का इस्तेमाल अक्सर करता हूँ। उनमें से एक, यहाँ पर मैंने कुछ नाम टाइप किए और उनके नंबर्स ऐड कर दिए मैंने एक ही बार में, ये बड़ा कॉमन है, ये बस रिपीट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इक्वल्स टू रेंड बिटवीन 1, 100, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल सी, ऑल्ट एच, वी, विक्ट्री, ये तो बड़ा कॉमन है, कंट्रोल ए, और मैंने इसको एडजस्ट कर दिया कॉलम विड्थ के अकॉर्डिंग, ये तैयार हो गया। अब साथियों, हमें किसी भी स्टूडेंट या पर्सन के नाम और उसके रिकॉर्ड को शो कराना है, जैसे उनके मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश, हिंदी के नंबर, या आप चाहते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की सेल्स नंबर्स दिखाई जाए, कोई भी तरीका हो। मैंने यहाँ नेम H2 पर काम करना है, याद रखिएगा। तो अगर मैं H2 पर काम करूँगा तो मुझे एक फॉर्मूला लिखना होगा जिसकी आवश्यकता मुझे पड़ेगी। वो फॉर्मूला इक्वल्स टू डॉलर A2, क्योंकि मेरा पहला रिकॉर्ड A2 पर स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैंने डॉलर A2 लिया। इक्वल्स टू डॉलर H2 का प्रयोग आप कर सकते हैं और एंटर। अभी ये यहाँ पर फॉल्स दिखाएगा क्योंकि ये रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहा है, खाली है, इस वजह से। जब मैं राजीव यहाँ लिखूँगा तो ये इसको ट्रू दिखाएगा, लेकिन बाकी सभी को ये फॉल्स दिखा देगा, ठीक है। इसका मतलब ये फॉर्मूला काम कर रहा है। आपको इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैंने एक लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। सेशन के दूसरे पार्ट में मैं लॉजिकल ऑपरेटर की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। चलिए, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा या टाइप कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मैंने सिंगल डॉलर का इस्तेमाल किया है, आगे मैं डबल डॉलर का इस्तेमाल करूँगा आपके लिए। तो डेटाबेस को आप सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दिया मैंने, सिलेक्शन बनाया, और अब मुझे एक शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन ऑल्ट ओ डी का इस्तेमाल करना है। जी बिल्कुल सही सुना आपने,
ऑल्ट ओडी, जब आपके पास सिलेक्शन होता है तो ऑल्ट बटन को होल्ड करके छोड़ दीजिए, फिर ओ को प्रेस कीजिए, छोड़ दीजिए, रिलीज प्रेस रिलीज लाइक दैट, ऑल्ट ओ डी। आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पहुंच गए और पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है न्यू रूल्स। आपने न्यू रूल का इस्तेमाल करना है। जब आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें वो आपसे कह रहा है न्यू फॉर्मेटिंग रूल, सेलेक्ट करना है आपको एक रूल टाइप, तो आप रूल टाइप ले लीजिए सबसे आखिरी लिस्ट का, यूज अ फॉर्मूला राइट टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। याद रखिएगा डेटाबेस में हेडिंग को सिलेक्ट नहीं करना है, मैंने भी नहीं किया हुआ है, इसीलिए यहां पर आप जहां एक्चुअल कंटेंट है सिर्फ उसको सिलेक्ट कीजिए, ऑल्ट ओडी, ऑल्ट एन न्यू रूल, और आप लास्ट रूल पर चले जाइए और आपने एक फॉर्मूला टाइप कर देना है जो मैंने आपको आई टू में लिख के दिया था वही। यहां पर डॉलर एस की तरह दिखाई देता है तो मैंने यहां डॉलर लिया, ए टू इज इक्वल्स टू डॉलर, मैंने एच टू में नाम लिखना है तो एच टू। अभी मैंने टू के आगे डॉलर का इस्तेमाल नहीं किया है, वो भी कर रहे हैं। फॉर्मेट पे जाइए और जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए फिल, ऊपर से मैंने फिल का चुनाव किया और मैंने यहाँ रिकॉर्ड को ब्लैक एंड वाइट कर देना है तो मैंने ब्लैक, और फॉन्ट का कलर वाइट रखना है, आपकी मर्जी है कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन बना दिया है, तीन बार ओके 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 और ओके डन। यहाँ पर रिकॉर्ड जो है आपका हाईलाइट हो गया। मैंने यहाँ पर नाम लिखा राज, एंटर, और राज का रिकॉर्ड डेटाबेस से मैच नहीं कर रहा है, तब आपको फॉर्मूला को एडिट करने की जरूरत है क्योंकि अब आपको डबल डॉलर का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो फॉर्मूला कैसे एडिट होगा, सिलेक्शन दोबारा बनाइए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो ऑल्ट ओडी, बीच का एक बटन आ रहा है, क्लिक कीजिए एडिट रूल, और इस एडिट रूल पर आपने डॉलर ए टू लगाया है, डॉलर एच टू का प्रयोग कीजिए, कंप्लीटेड, ओके कराइए, अंदर ओके डन, यहाँ पर काम कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। मैंने यहाँ पर नाम लिखा राइट काव्या, ओके, जो नाम रिकॉर्ड में है वो हाईलाइट हो जाएंगे, जो रिकॉर्ड में नहीं है वो हाईलाइट नहीं होंगे। आप एक बार फिर से सिलेक्शन बनाइए और आप इसको डिलीट कर दीजिए ऑल्ट ओडी में जाकर के, ये मैंने डिलीट रूल लिया, ओके किया, नया रूल बनाना है तो फिर से सिलेक्शन ऑलरेडी है, नए रूल पर जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने यूज अ फॉर्मूला लेना है, और यहाँ पर वो फॉर्मूला कॉपी करके लाते तो पेस्ट कर देते, मैंने कॉपी नहीं किया तो डॉलर जो एस की तरह दिख रहा है, ये एक्चुअल में एस नहीं है, डॉलर ए टू इज इक्वल्स टू डॉलर, अब मैं एच की जगह पर आई लिखना चाहता हूँ तो आई कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है, डॉलर टू फॉर्मेटिंग, क्योंकि वो खत्म हो चुकी है, आप फॉर्मेट का चुनाव करें और उसके बाद फिल में चाहते हैं तो फिल ले लीजिए, यहाँ से कलर जो भी आप चाहें वो हाईलाइट कर सकते हैं, मैंने येलो कलर दिया, टेक्स्ट का कलर ब्लैक चल रहा है तो ब्लैक चलने दीजिए, कोई और डिज़ाइन डालना है, इफ़ेक्ट डालना है तो आप इफ़ेक्ट फिल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर फिल सेंटर का कर दिया, ओके दैट्स ओके और ओके और ओके, क्योंकि ऑलरेडी देव नाम लिखा हुआ है तो देव नाम हाईलाइट होकर के आ गया, आप चाहें तो यहाँ पर नाम बदल सकते हैं, जो भी नाम आपके लिस्ट में है उसको यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो
लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो मेरे पिछले सेशन में आपको बताया गया। ऑल्ट डी एल टैब लिस्ट अलाउ में जाके लिस्ट लीजिए और यहाँ पर आप नामों की लिस्ट सेलेक्ट कर लीजिए। ये मैंने सेलेक्ट किया, डन, और इसके बाद ओके कर दीजिए। ऊपर आपके पास ऑल्ट डाउन एरो वो नाम आ गए जो आपके लिस्ट में हैं ऑलरेडी, उनमें से किसी भी नाम का आप चुनाव कर सकते हैं। एक से ज़्यादा बार होंगे तो भी वो हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है, नीचे आ रहा है वो। इस तरीके से आप अपना कंटेंट हाईलाइट कर सकते हैं। अब जो लॉजिकल ऑपरेटर मैंने लगाया, इस लॉजिकल ऑपरेटर से रिलेटेड सेशन हमारे अगले पार्ट में है जो मैं आपको अभी कराने जा रहा हूं। इस सेशन के बारे में आप मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिए, आपने क्या सीखा और कितने बेहतर तरीके से मैंने आपको एक कंटेंट एक्सप्लेन किया है। आगे बढ़ते हैं।